हेलो गाइस, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो चुकी है। इस वक्त हम लोग टाड़ा के जंगल में हैं। क्या देखे भी लगे हैं सुबह को ड्यूटी जाते समय रास्ते में पड़ रही है बारिश। कितनी तेज़ बारिश हो रही है और जंगल के किनारे पेड़ के यहाँ पे हम रुक गए हैं। अभी बचे हुए हैं पेड़ से, जब तक यहाँ पे बारिश नहीं आ रही। हल्की हल्की पानी तो आ रही है। दो भाई लोग और आ चुके हैं। भाई भाई छाता बनाओ यार, इसकी ऐसे करके लगाओ। फिर बहुत तेज़ बारिश है। हाँ, पत्तों की छाता बना ली रही भाई ने। देखो, और मैंने जंगल से पत्ते निकाल लिए हैं, काफ़ी बड़े पत्ते हैं। और मेरे दोस्त ने भी पत्ते ले लिए हैं। देखो, हम लोग यहाँ पे रुक गए हैं एक पेड़ के नीचे। ये पूरा जंगल है और इस पेड़ के नीचे हम बारिश से बचने के लिए रुके हैं। लेकिन फिर भी देखिए बारिश बहुत तेज़ है। मैं आपको दिखाता हूँ, वो पीछे देखिए, आप देख सकते हैं कितनी धुआंधार यहाँ पे बारिश हो रही है। और ये टांडा का जंगल है और ये मेन हाईवे है। तो देखिए, हम यहाँ पे फंस चुके हैं और इस पेड़ के नीचे हमने शरण ली हुई है। इसके पत्ते के नीचे हम बचे हुए हैं अभी यहाँ पे बारिश से। तो मेरा मोबाइल भी ख़राब हो सकता है, इसलिए मैं इसको अभी अंदर रख रहा हूँ। आपको कैसा लगा मेरा ब्लॉग जरूर बताइएगा। आप यहाँ पे मौसम का नज़ारा देख सकते हैं, पूरा भीगा हुआ हूँ मैं। ये देखिए, अभी हमने अभी वहाँ ऊपर पूरा भीग रहे थे, बारिश हो रही थी। और थोड़ा सा ही आगे जाके ये देखिए मोड़ के पास, वो देखिए बारिश गायब है। एक फुट की जमीन नीचे देखिए बिल्कुल नहीं भीगी हुई है, जबकि हमारी बाइक में अभी देखिए नीचे पानी है। ये देखिए पीछे इतनी खतरनाक बारिश के हम पूरे भीग गए। वहाँ लोग खड़े हो गए बचने के लिए और यहाँ पर एक बूंद बारिश नहीं है। मात्र 100 मीटर के अंतराल पर ऐसे मौसम का वो होता है। यह होता है हमारे पहाड़ उत्तराखंड का मौसम। तो दोस्तों देखो, मौसम के नज़ारे, हम पूरे भीगे हुए हैं। लेकिन जैसे ही मोड़ से थोड़ा सा आगे आए, यहाँ पर पूरा का पूरा सूखा पड़ा हुआ है। और जबकि हम भीगे हैं, और आप ये देख सकते हैं पूरी रोड यहाँ पे सूखी हुई है। तो ऊपर की तरफ तो हो रही थी बारिश, मात्र 100 मीटर ऊपर अभी हम थे। और तगड़ी बारिश, बहुत तेज़ बारिश थी। अब तो उसने भी बचने की कोशिश करी, पेड़ के नीचे भी आए, नहीं बच पाए। यहाँ है इससे अच्छा था हम तेज आगे आया थे तो शायद कम भीग थे। देखा दोस्तों कैसा मौसम होता है हमारी हल्द्वानी का। ये एक अनुभव भी है, जब अगर जंगल में आपके ऊपर बारिश पड़े तो आप वहाँ पर मत रुकिए, आप और तेज़ भाग जाइए, आगे मुड़ के आपको बारिश नहीं मिलेगी। तो ऐसा मौसम आपको देखने नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मौसम सिर्फ हल्द्वानी जिला नैनीताल में ही होता है। कभी आए नैनीताल तो आइए नैनीताल। तो मेरा मोबाइल भी ख़राब हो सकता है, इसलिए मैं इसको अभी अंदर रख रहा हूँ। आपको कैसा लगा मेरा ब्लॉग जरूर बताइएगा।